हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, हमारी तरह पेड़ पौधों को भी नॉरिशमेंट की ज़रूरत होती है। हवा, पानी और सूरज की रोशनी के अलावा उन्हें वृहत पोषक तत्व के रूप में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है और कम मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की आवश्यकता होती है। जबकि अति सूक्ष्म मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पर बोरॉन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर आदि कई अन्य तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पौधों को इन पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः मिट्टी के माध्यम से होती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि मिट्टी में ये सभी तत्व पौधों की मांग के अनुसार उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। फर्टिलाइजर यानी ऐसी चीज जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उपलब्ध हो। जैसे कि एनपीके फर्टिलाइजर का मतलब है ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एक खास रेशियो में उपलब्ध हो। उसी तरह नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का मतलब है ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें अन्य पोषक तत्वों के मुकाबले नाइट्रोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स में अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब दूसरी बात यह है कि फर्टिलाइजर्स या तो केमिकल हो सकते हैं या ऑर्गेनिक। केमिकल फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिन्हें सिंथेटिक वस्तुओं की मदद से हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश वगैरह। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर केवल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मस्टर्ड केक, नीम केक, बोन मील, काउडंग इत्यादि। तो आज का मेरा वीडियो मुख्य रूप से नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में ही है, जिसमें कई तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में विस्तार से बात करूंगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अलग अलग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको बताऊं, पहले यह जान लेते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खूबियां और कमियां क्या क्या हैं। पहली बात तो यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स काफ़ी स्लो काम करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए रेडी टू ईट फूड की तरह होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए रेडिली उपलब्ध नहीं होते। पहले मिट्टी के अंदर इनका ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद धीरे धीरे जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में मिलकर पौधों के लिए उपलब्ध हो पाते हैं, तो इसमें समय लगता है। परंतु इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्शन काफ़ी तेज जरूर होता है, लेकिन उनका असर काफ़ी कम समय तक रहता है। दूसरा यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत सारा भाग साल्ट के रूप में और अनब्रेकेबल कंपाउंड के रूप में मिट्टी के अंदर जमा होता रहता है। इससे मिट्टी की अल्कलिनिटी बढ़ती है और जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर होते हैं उनका खात्मा हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से मिट्टी की क्वालिटी खराब होती चली जाती है। इसके ठीक विपरीत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स न केवल मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों को ऐड करते हैं, बल्कि उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, ड्रेनेज इंप्रूव होता है और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास में मदद मिलती है। यानी ओवरऑल मिट्टी की क्वालिटी समय के साथ इंप्रूव होती रहती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर मेरा यही मानना है कि फर्टिलाइजर्स केमिकल हो या ऑर्गेनिक, उनका अपना अपना महत्व है। उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित तालमेल के साथ इनका व्यवहार करने पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब बारी है अलग अलग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करने की। चूंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीन जरूरी पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं पौधों के द्वारा, तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि नाइट्रोजन का पौधों के लिए क्या महत्व है। दरअसल नाइट्रोजन पौधों के पत्तों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यह एमिनो एसिड्स का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है और जिसकी वजह से पौधों में ग्रोथ संभव हो पाती है। तो नाइट्रोजन की वजह से ही पौधे हरे भरे पत्तों से लदे रहते हैं और तेजी से ग्रो कर पाते हैं। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का प्रयोग किसी भी प्लांट के ग्रोथ के शुरुआती स्टेज में करना सबसे अच्छा रहता है। इससे प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी तेजी से होता है और प्लांट हरे भरे पत्तों से भर जाता है।
फ्रेंड्स, नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की लिस्ट में सबसे पहला फर्टिलाइजर है एनिमल डंग मैन्योर, यानी जो भी हमारे पालतू जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी इत्यादि, उनके गोबर की खाद जहाँ पर जैसी उपलब्धता हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद या डंग मैन्योर में एनपीके का मैक्सिमम परसेंटेज 3:2:1 का होता है, यानी नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा 3%, फॉस्फोरस की अधिकतम मात्रा 2% और पोटेशियम की अधिकतम मात्रा 1% होती है। इनके प्रयोग में सावधानी यही है कि इसे कभी भी ताजे रूप में इस्तेमाल ना करें, कम से कम 1 वर्ष पुराने कंपोस्टेड मैन्योर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी तरह कंपोस्टेड होने पर यह काले रंग का हो जाता है और उनमें से कोई भी गंध नहीं आती। यह जितना पुराना होगा उतनी ही अधिक मात्रा में इसे मिट्टी में ऐड किया जा सकता है। पौधा लगाने से पहले 25-30% तक की मात्रा में न्यूट्रिशनल एडिटिव और सॉइल कंडीशनर के तौर पर पॉटिंग मिक्स में इसे मिलाया जा सकता है। नाइट्रोजन रिच होने के कारण ये फर्टिलाइजर्स सॉइल की एसिडिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, इसलिए सिट्रस प्लांट और गुलाब जैसे एसिड लविंग प्लांट्स के पॉटिंग मिक्स में इसकी अधिक मात्रा मिलाने से पौधे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की लिस्ट में दूसरा फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट। यह एक खास तरह का कंपोस्ट होता है जिसे अर्थवर्म्स की कुछ किस्मों की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है। अर्थवर्म्स द्वारा तैयार होने के कारण इसे वर्म कास्टिंग या वर्म मैन्योर आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एक यूनिफॉर्म टेक्सचर वाला न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर होता है जिसमें नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा 3.5% और फॉस्फोरस तथा पोटेशियम की अधिकतम मात्रा 2% तक हो सकती है। इसके अलावा इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और यूजफुल बैक्टीरिया के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जिससे पौधे का विकास तेजी से होता है और पेस्ट तथा डिजीज के प्रति उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। साधारण कंपोस्ट की तुलना में यह एक बेहतर विकल्प है। यह एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह काम करता है जिसके कारण पॉटिंग मिक्स में इसे 40% तक मिलाया जा सकता है। मिट्टी में मिलकर यह उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, ड्रेनेज और एरेशन प्रोवाइड करता है और लंबे समय तक प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की लिस्ट में तीसरा महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है डी वाइल्ड केक फर्टिलाइजर, यानी तिलहनी फसलों के बीजों से तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उसे हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर सरसों का तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उसे सरसों खली या मस्टर्ड केक कहते हैं। उसी तरह ग्राउंडनट केक, नीम केक, कॉटन सीड केक, कैस्टर केक, सीसम केक इत्यादि को भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें नाइट्रोजन की मात्रा 4-7% तक होती है, फॉस्फोरस की मात्रा 1.5-3% तक होती है और पोटेशियम की मात्रा 1-1.5% तक होती है। इसके अलावा इनमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के ऑयल का इस्तेमाल होता है, इसलिए जहां पर जिन ऑयल केक्स की उपलब्धता हो उसी को एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑयल केक्स को इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें दो तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में डी ऑयल केक को छाया में सुखाकर ग्राइंड करें और महीन पाउडर बना लें। उसके बाद हर महीने प्लांट के चारों ओर की मिट्टी में थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह मिक्स कर दें। दूसरा तरीका और बेहतर रिजल्ट देता है। इसमें डी ऑयल्ड केक को पानी में 1-2 दिनों तक भिगोएं और उसके बाद 1:100 के रेशियो में पानी के साथ डाइल्यूट करें, यानी 1 kg केक के लिए 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और इस घोल से प्लांट की वाटरिंग करें। इस फर्टिलाइजर का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 3 हफ्ते बाद करना चाहिए। प्रोटीन से भरपूर होने के कारण इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बाद फंगस और पेस्ट अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर का घोल तैयार करते समय उसमें लहसुन या गार्लिक की कुछ कलियों को क्रश करके मिलाना चाहिए। फ्रेंड्स, चौथा नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है टी लीफ मैन्योर, यानी चाय की पत्ती का खाद। इसमें 4% तक नाइट्रोजन होता है और 0.25% फॉस्फोरस और 0.25% पोटेशियम होता है। इसके अलावा इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पर ट्रेस एलिमेंट्स की मौजूदगी भी रहती है। टी लीफ मैन्योर की जगह पर आप कॉफ़ी ग्राउंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी ग्राउंड में टी लीफ की तरह ही एनपीके और ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन केवल 2% तक ही होता है।
तो चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्तियां बचती है उसे पानी से वॉश कर लें और उसे क्ले पॉट में स्टोर करते जाएं। जब पॉट भर जाए तब उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि चाय पत्ती अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाए। इसके बाद चाय की पत्ती की खाद तैयार हो जाती है जिसे पीस कर पाउडर बना लें और एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की तरह प्लांट की मिट्टी में अप्लाई करें। इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती को वॉश करने के बाद थोड़ी मात्रा में बिना कंपोस्टिंग के भी प्लांट की मिट्टी में मिला सकते हैं। नाइट्रोजन रिच होने के कारण यह सॉइल की एसिडिटी को हल्का बढ़ा देता है, इसलिए एसिड लविंग प्लांट्स के लिए और भी अच्छा है। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की लिस्ट में पांचवा फर्टिलाइजर है फिश मील। सड़ी गली मछलियों और उनके अवशेषों की कंपोस्टिंग करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट मिलता है उसे फिश मील कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 10% तक और फॉस्फोरस तथा पोटेशियम की मात्रा 2% तक होती है। इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होने के बावजूद यह प्लांट में बर्निंग इफेक्ट नहीं डालता है, यानी पत्तियों को जलाता नहीं है। इसका कारण है कि एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, यानी धीरे धीरे लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता रहता है। एनपीके के अलावा फिश मील में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एमिनो एसिड्स की मौजूदगी भी रहती है, इसलिए इसे प्लांट्स के ग्रोथ के हर स्टेज में एक बेहतरीन फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पौधे के आकार के हिसाब से हर महीने इसकी थोड़ी मात्रा प्लांट के चारों ओर की मिट्टी में मिलाना चाहिए। फ्रेंड्स, इन पांच अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर के अलावा और भी कई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हैं, जैसे बैट गुआनो यानी चमगादड़ के बीट, सी बर्ड गुआनो यानी समुद्री पक्षियों की बीट, ब्लड मील आदि, लेकिन उनकी उपलब्धता हर जगह पर नहीं है। इसलिए इनमें से जो भी फर्टिलाइजर लोकली अवेलेबल हो या इजीली अवेलेबल हो उसका ही उपयोग आप करें। अब अगले वीडियो में मैं आपको फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बताने के अलावा कुछ अन्य स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर के बारे में भी बताऊंगा। आशा है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार करें और इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सवाल पूछने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।